जाहिर है इस खेल को अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। आपको एहसास हो रहा होगा कि बंद कमरे में आखिर कौन सा जाल बुना जा रहा है। एक खूबसूरत लड़की, कमरे में कैमरे का खेल, और इनके जाल में एक शिकार फंस भी चुका है और उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं कि जैसे ही वो इस कमरे के बाहर कदम रखेगा तो उसके साथ भी ब्लैकमेलिंग का वो खेल शुरू हो जाएगा जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक खूबसूरत हसीना का खौफनाक जाल, खूबसूरत हसीना का खूबसूरत धोखा, इंटरनेट के जरिए दोस्ती, दोस्ती, अश्लील वीडियो और किडनैपिंग का खेल। इन तीन चेहरों को गौर से देख लीजिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं मोनिका, शिवेंदु और विलियम्स। यही वो तीन चेहरे हैं जिन्होंने ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग का खतरनाक जाल बुना। दरअसल ब्लैकमेलिंग का ये धंधा मोनिका ने अपने दो विदेशी दोस्तों शिवेंदु और विलियम्स के साथ मिलकर शुरू किया और इंटरनेट पर एक tagged.com के नाम से एक सोशल साइट बनाई। इस वेबसाइट पर मोनिका ने कई खूबसूरत तस्वीरें डाल रखी थी और अपने शिकार को आकर्षित करती थी। दरअसल मोनिका इस पूरे खेल की एक अहम कड़ी थी। वो पहले अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपने हुस्न के जाल में अपने शिकार को फंसाने की साजिश रचती और फिर उसके दोनों दोस्त शिवेंदु और विलियम्स मिलकर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद करते। ये तीनों इतने शातिर थे कि इनके शिकार को जरा भी गुमान नहीं होता कि वो एक गहरी साजिश का शिकार हो रहा है। ऐसे ही एक खूबसूरत धोखे का शिकार बने लुधियाना के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण को इन तीनों ने अपने जाल में फंसाकर दिल्ली बुलाया और मोनिका कार से खुद अरुण को रिसीव करने जनकपुरी पहुंची और फिर सीआर पार्क में अपने घर ले गई। वहां पर मोनिका अरुण के करीब आने की कोशिश करने लगी और इसी बीच पहले से कमरे में छुपे उसके दोनों साथियों ने दोनों की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अरुण को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और जब बात नहीं बनी तो अरुण को बंधक बनाकर उसके घर वालों से 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। बेसिकली मिस्टर अरुण वाही का नेटवर्क जो है फेसबुक के थ्रू इनका कांटेक्ट में हुआ था। मोनिका से इनकी फ्रेंडशिप हुई और जब दिल्ली में जब ये आए तो उनको टैक्सी के द्वारा सीआर पार्क में ले गया जहाँ पे उनको बंदी बना दिया गया था और उनसे 4 लाख की डिमांड की थी जो कि फैमिली मेंबर्स ने किसी अननोन व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी मोनिका ही वो खूबसूरत धोखा है जिसने tagged.com नाम से एक सोशल साइट बना रखी थी। इनकी वेबसाइट की टैगलाइन थी नए लोगों से मिलने की जगह। इस साइट पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें डालकर ये लोगों से दोस्ती करती और फिर शुरू होता उनका एक बेहद खूबसूरत और खौफनाक खेल। दोस्ती करने के बाद मोनिका अपने शिकार को मिलने के लिए बुलाती। हुस्न के जाल में फंसकर उसका शिकार खुद ही उसके जाल में फंस जाता। मोनिका पहले तो अपने शिकार को किडनैप करती और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाती और फिर शुरू होता फिरौती का खेल। हुस्न के जाल में उसका साथ देते थे उसके दो विदेशी दोस्त शिवेंदु और विलियम्स। फरीदाबाद की मोनिका घर से नाराज होकर दिल्ली आई थी और यहीं उसकी मुलाकात सोशल साइट पर IT की पढ़ाई कर रहे शिवेंदु से हुई और दोनों जयपुर में साथ रहने लगे। बाद में इनकी मुलाकात नाइजीरिया के रहने वाले विलियम्स से हुई और फिर इन तीनों ने सोशल साइट के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की योजना बनाई। पहले हुस्न और फरेब का जाल, फिर ब्लैकमेलिंग और उसके बाद फिरौती के लिए अपहरण। दरअसल जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में मोनिका और उसके दो दोस्तों ने ये जाल बुना था। प्लान के मुताबिक अरुण उनके जाल में फंस चुका था। इसके बाद उन्होंने अरुण का अपहरण कर उसके घर वालों को फिरौती के लिए फोन कर दिया। कैमरामैन काशिफ और पुनीत शर्मा के साथ